तो दोस्तों कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तम मार्क टू रडार सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, उसके कई सारे ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब ये कुछ इस लायक हो गया है कि तेजस मार्क 1A में हम लोग उत्तम मार्क 1 रडार इस्तेमाल न करते हुए सीधे उत्तम मार्क 2 रडार सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बेटर कैपेबिलिटी देगा हमारे तेजस मार्क 1A से ही। यानी किसी जमाने में हमारे पास उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम भी नहीं होता था, जिसके लिए हम लोग इसराइल के ऊपर निर्भर करते थे। लेकिन अभी देखिए, हमारा तेजस मार्क 1A बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही उत्तम मार्क 2 रडार सिस्टम बन गया है। तो अल्टीमेटली हमारे पास उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम अब किसी काम का नहीं बचा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि DRDO यहीं तक रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसके कई और अपस्केल मॉडल बनने वाले हैं। कुछ ऐसे रडार सिस्टम भी हम लोग बनाने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग हमारे एमका में, टेडबीएफ में और सबसे बड़ी बात Sukhoi-30 MKI में करने वाले हैं। अगर स्पेशली बात की जाए Sukhoi-30 MKI की, तो उसके अंदर एक बेहतरीन यही ऐसे रडार सिस्टम की सख्त आवश्यकता है, जिसके अंदर बहुत सारे TR मॉड्यूल्स हों, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी हम लोग कितने TR मॉड्यूल वाला AES रडार सिस्टम का इस्तेमाल करें हमारे फाइटर जेट में, ये निर्भर करता है उसके इंजन के ऊपर कि उसका इंजन कितना थ्रस्ट जनरेट कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उसको जनरेट तो अल्टीमेटली इंजन ही करेगा। लेकिन AL-31 इंजन जो इस्तेमाल किया जाता है Sukhoi-30 MKI में, वो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने में कैपेबल है। दूसरी बात, जो Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट है वो साइज में काफ़ी बड़ा है, इस वजह से इसका जो आगे की नोक है जिसे रडार एडोम कहा जाता है वो भी साइज में काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हमें एक बेहतरीन विकल्प मिलता है कि हम लोग एक बड़े साइज का AES रडार सिस्टम बनाकर इसके अंदर इंटीग्रेट करें और ये रडार सिस्टम कुछ इतना प्रभावशाली हो कि इसे आप मिनी एवॉक्स तक कह दें, ताकि ये छोटे मोटे किसी सिंगल फाइटर जेट को भी कम से कम 200 किलोमीटर दूरी से ही डिटेक्ट कर ले। यानी टारगेट का साइज कितना भी छोटा वगैरह हो, कितना भी कम RCS देता हो, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी दूरी से, 200 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा दूरी से ही हमारा Sukhoi-30 MKI उस टारगेट को देख पा ले, ये कैपेबिलिटी आज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ये जो उत्तम मार्क 3 रडार होगा, एक्चुअली नाम इसका उत्तम मार्क 3 ही होगा या कुछ और होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर सीरीज जो चल रही है उस हिसाब से उत्तम मार्क 3 ही कहेंगे। और ये जो Sukhoi-30 MKI में लगेगा, ये Sukhoi-30 MKI के इन फ्यूचर जितने भी सालों तक वो सर्विस देगा तब तक के लिए वो सूटेबल होगा। यानी जो हम लोग चाहते हैं कि एमका मार्क 2 जब 2035 के बाद में आने शुरू होंगे, तब तक के लिए ये रडार सिस्टम पूरी तरह से सूटेबल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगले 25 सालों में जितनी भी हायर टेक्नोलॉजीज आ जाए, अगले 25 सालों में कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कितनी हायर टेक्नोलॉजी आ जाए, उसका सामना करने के लिए उत्तम मार्क 3 रडार सिस्टम पूरी तरह से सक्षम होगा। अब यहाँ पर आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि साइज को देखते हुए, एक्चुअली Sukhoi-30 MKI के साइज को देखते हुए, हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि उत्तम मार्क 2 रडार सिस्टम जो है, जिसमें 912 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है, उससे लगभग 2 गुने साइज का हम कोई रडार सिस्टम इसके अंदर बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें संभवतः 2000 से लेकर 2400 TR मॉड्यूल्स तक हों। ये इतने बड़े साइज के रडार सिस्टम को अपने अंदर इंटीग्रेट करने की अनुमति तो हमें देता ही है, साथ में इसके पावरफुल इंजन्स प्रॉपर इसे पावर भी दे सकते हैं, ये कैपेबिलिटी भी Sukhoi-30 MKI में मौजूद है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज अब हम लोग बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं, जिसके तहत हम लोग Sukhoi-30 MKI की जो कैपेबिलिटीज हैं उन्हें कई गुना एनहांस कर सकते हैं। वैसे ही काफी समय पहले खबर निकल कर आई थी कि हमारे Sukhoi-30 MKI ने पुराने वाले नॉन AES रडार सिस्टम से ही एक बार चाइना के J-20 को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लिया था। अब आप सोचिए कि अगर इसमें उत्तम मार्क 3 रडार सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया जाता है तब इसकी कैपेबिलिटी क्या क्या होंगी। अब जो हमारा उत्तम मार्क 3 रडार सिस्टम होने वाला है, बताया जा रहा है कि 2024 तक उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, यानी अगले 2 सालों में इसे हम लोग बड़ी आसानी से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये जो हम लोग स्वदेशी लेवल पर Sukhoi-30 MKI को लेकर सुपर Sukhoi प्रोग्राम जो चला रहे हैं उसमें बड़ी आसानी से इसे भी शामिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात निकल कर यही आती है कि हमने रशियन Sukhoi-30 MKI को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। मैंने इसको लेकर कई सारी वीडियोस आपको बनाकर बताई थी कि किस तरह से हम लोग इसमें अलग अलग सेक्टर्स में जाकर बदलाव करने जा रहे हैं। 2-3 दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि BEL, HAL और मेधानी ग्रुप मिलकर इसके इंजन को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए रशिया से परमिशन मांगी जा रही है, जिसके बाद इसके अंदर लगे इंजन काफी लंबे समय तक हमें सेवा दे पाएंगे, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ इसके एवियोनिक्स पर भी खासा काम किया जा रहा है। मिशन कंप्यूटर से लेकर कई अलग अलग तरह के सेंसर्स इसके लिए DRDO द्वारा बनाए गए हैं। इसी के अलावा जो RWR DRDO द्वारा तैयार किया गया है उसका इंटीग्रेशन भी इसमें होगा। DRDO द्वारा जितने भी एयर लॉन्च वेपन्स बनाए गए हैं उन सब की शुरुआत इसी फाइटर जेट से होती है। तो कहने का मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप आ चुका है Sukhoi-30 MKI को लेकर। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।